गुड मॉर्निंग बेटा नमस्कार आप सभी को नमस्कार जी नमस्कार चलो जी आज ये बेटा कहानी की करते हैं शुरुआत और आज की जो हमारी प्यारी सी कहानी है वो टेंस टॉपिक की कहानी है एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है और आपकी इंग्लिश चाहे वीक है स्ट्रॉन्ग है कोई फर्क नहीं पड़ता एकदम बेसिक से पढ़ेंगे एकदम जीरो से लेकर चीजों को मैं उठाऊंगा और आपको समझाता हुआ चलूंगा तो मां सरस्वती का ले नाम और करते हैं अपनी पढ़ाई चालू ठीक है आज इंग्लिश से हम सुबह की करते हैं फिर आज शुरुआत आगे जी सभी के सभी चलिए ठंड बहुत हो रखी है भाई ठीक है और मैं अभी मजाक में कह भी रहा था कि 2023 में ही सूरज रह गया है <laughs> तो हमारे सूरज देवता 2024 में प्रकटित ही हुए दिल्ली में तो अभी सुबह भी जब ड्राइव कर रहे हैं तो लाइट ऑन करके चलना पड़ रहे है ठीक है पूरा धुंध वगैरह हो रखी ठीक है बट कोई नहीं यू ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए तो ये तो बात है तो आप में से बहुत सारे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी पहुंच गए होंगे सुबह सुबह उठ के ठीक है उन्होंने लाइब्रेरी वाले को भी परेशान कर रखा होगा सुबह सुबह जाके खड़खड़ा दी होगी लाइब्रेरी अगर सात बजे खुलती है तो वो लौंडे पौने साथ पे पहुंचते हैं चाय की चुस्की लेते हो ठक 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 टाइम पे खोल लिया अगर भाई है कि नहीं और आप में से बहुत सारे बच्चे आलसी हैं निकम्मे हैं निठल्ले हैं चार दिन क्या हफ्ता दस दिन हो गए उनको नहाए हुए ऐसी रजाई में पड़े पड़े क्लास देख रहे होंगे ना

और मजा आना भी चाहिए छुटको मजा आने की टेंशन कॉपी नहीं करना बेटा मजा आने की टेंशन है ये एक लोता ऐसा टॉपिक है आप ये कहो ये रीड की हड्डी है इंग्लिश की पता है क्यों टेंस से डिपेंड करता हुआ मेरे बच्चे आप कहो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है जो कि असल में टॉपिक नहीं होता पूरी इंग्लिश ही होती है पाजी वो भी इससे रिलेट करेगा बेटा एक टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग वो भी टेंस से रिलेट करता है मेरे शेर पुत्र एक टॉपिक होता है वॉइस वो, वो भी टेंस से रिलेट करेगा एक टॉपिक होता है नरेशन ठीक है वो भी टेंस से रिलेट करेगा बेटा एक टॉपिक होता है मॉडल्स टेंस ही समझ नहीं आया मॉडल्स क्या खाक समझ आएंगे इसका मतलब मॉडल्स भी रिलेट करता है एक टॉपिक होता है छुटकुमिया वर्ब वर्ब भी टेंस से रिलेट करता है एक टॉपिक होता है बेटा वर्ब एडवांस वर्ब एडवांस भी टेंस से रिलेट करता है आपने बोला बस बस करो जी बस भाई साहब एक लौता टॉपिक ऐसा है जो आपको इतने टॉपिक से रिलेट करता हुआ नजर आएगा अब सपोज करो बेटा मैंने टेंस नहीं पढ़ाया मैं आपको वॉइस पढ़ा दू हो ही नहीं सकता टेंस नहीं पढ़ा, है, पढ़ा दू हो ही नहीं सकता समझ रहे हो और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं इधर रीढ़ की हड्डी है सारे के सारे और इनके पिताजी टेंस टें तो टेंस एक ऐसा जरिया है जो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी देगा आपको सीखना सिखाएगा कि इंग्लिश सीखते कैसे है, पर बेस्ड तो बहुत शानदार तरीके से उस चीज को सीखना इसलिए मैंने पहले ही आपको आगा कर दिया कोई भी बच्चा ये ना सोचे ठीक है कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर अगर टेंस है तो कम कम समझ आ काम चल बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा बिल्कुल भी नहीं चलेगा छुटको वरना इन सारे के सारे टॉपिक्स में परेशान रहोगे समझ में आई बात चलिए तो ये हुई इस टेंस की थोड़ी सी तारीफ लेकिन बेटा टेंस पढ़ने से पहले जैसा कि मैंने आपसे डेमो क्लास में पहली ही क्लास में इंट्रोडक्शन वाली क्लास में वादा किया था कि हर चीज को बेसिक से उठाएंगे तो जरा टेंस को भी पहले बेसिक से समझेंगे आखिरकार ये ये टेंस होते क्या है कहां से ये पैदा हुए किस तरीके से पढ़ने हैं कितने टाइप के होते हैं कैसे पता चलता है कैसे टेंस को पहचाने वो कैसे पता चलेगा उन सारी चीजों के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे बेटा ठीक है चलिए तो जरा अब एक हेडिंग आप प्यारी सी डालिएगा टेंस वर्ब और आप लिखेंगे बेसिक पार्ट टेंस वर्ब बेसिक पार्ट क्या लिखा छुटको टेंस वर्ब बेसिक पार्ट सर टेंस पढ़ा रहे हो आप टेंस वर्ब बेसिक पार्ट क्यों लिखा उसका भी एक नाता है मेरे बच्चे क्योंकि ये जो वर्ब है ना हाँ यही टेंस को डिसाइड कर रही होती कहीं ना कहीं एक हिंट के तौर पे बता रहा हूं मैं हिंट के तौर पे बता रहा हूं हेडिंग ये डालिएगा बेटा ये कॉपी मत कीजिएगा जो एग्जांपल लिख रहा हूं एक बात बता छुटको जब आप ये लिखते हो बेटा ही इज डूइंग हिज वर्क ही इज डूइंग हिज वर्क तो छुटकू मिया जरा मुझे एक बात बताइएगा ये टेंस कौन सा है अगर बचपन थोड़ा 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 याद है याद होगा बचपन तो है ना वो नाली में हाथ डाल के बोल निकाल के तीन टप्पे मार के पवित्र करना फिर क्रिकेट खेलना याद है कि नहीं है तो उतना याद है तो ये भी याद होगा छुटको ही इज डूइंग हिज वर्क में टेंस कौन सा आप कहोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बेटा आपको कैसे पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है आपने बोला सर इज है ना हाँ तो इससे देखकर मैंने प्रेजेंट बोला और जब वर्ब पर आईएनजी जुड़ा हो तो उसको देखकर क्या बोलते हो बेटा कॉन्टिन्यूस बोलते हो हाँ तो आपने बोला सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है अब बेटा एक बात बताऊं प्रेजेंट में तो है ये टेंस हाँ एक बात ये बताऊं बेटा ये भी तो वर्ब है एक बात बताऊं बेटा ये भी तो वर्ब है इसका मतलब हमें वर्ब को जानना तो पड़ेगा छुटको क्या होती है कहीं ना कहीं वर्ब टेंस बताने में हेल्प कर रही है तो कुछ ना कुछ तो लोचाई उल्फत है पक्का वर्ब का और टेंस का कोई ना कोई लिंक तो है तो वो बेसिक चीज हमें सीखनी होगी अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं जब टेंस का और इसका नाता है तो वो चीज भी हमें देख कर चलनी ही है समझ में आई बात तो इसीलिए मैंने हेडिंग आज की डाली है टेंस वर्ब बेसिक पार्ट एक बार बेस बना लेते हैं तब टेंस पढ़ने में मजा आएगा आखिरकार ये टेंस पैदा कहां से हुए ठीक है ठीके? याद रखिएगा आगे देखते हैं बेटा एक बार समझते हैं चीजों से ठीक है टेंस वर्ब बेसिक पार्ट को एक बार यहां से जरा अंडरस्टैंड करना मैंने पहला एक कॉन्सेप्ट लिखवाया बेटा इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी ठीक है आपको छोटी चीज समझनी पड़ेगी टाइमलाइन क्या लिखा मैंने टाइमलाइन आपको टाइमलाइन समझनी होगी गुरुजी टाइमलाइन मतलब देखना बेटा कहां से कहां तक बात जाएगी ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अब कॉपी करना स्टार्ट कर दो आप प्रॉपर अपना एक रजिस्टर रख रहे हो पेन तैयार है बेटा हेडिंग डाल ली पहला लिखो कॉन्सेप्ट ऐसे साथ साथ कॉपी करना है आप बोलोगे आप बोलोगे कि गुरुजी एक बात बताइए मैं साथ साथ कॉपी करूंगा तो समझ आएगा बिल्कुल समझ आएगा छुटको बिल्कुल समझ आएगा बेटा ये अपना वहम हटा दो क्योंकि मैं इतने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूं देखो मैंने अब इतना ही तो लिखा है तो आराम से आप साथ साथ कॉपी करोगे उल्टा क्लास में जुड़े रहोगे साथ साथ कॉपी करना और समझते चलना टाइमलाइन को समझना होगा बेटा टाइम ता, को हम क्या करते हैं लैंग्वेज के हिसाब से हम टाइम को तीन हिस्सों में बांट के चलते हैं जो अभी हमारी सांसें चल रही हैं मैंने बोला कौन सा टाइम चल रहा है आपने बोला गुरुजी प्रेजेंट चल रहा है तो हमने जो अभी टाइम चल रहा है उसको क्या बोल दिया प्रेजेंट टाइम बोल दिया अभी जो टाइम चल रहा है बेटा उसको क्या बोल दिया प्रेजेंट टाइम बोल दिया और अभी जो इससे पीछे की बात करे जो बीत गया उसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं पास्ट बोलते हैं और बेटा जो अभी आएगा अभी आया नहीं उसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं फ्यूचर टाइम बोलते हैं इसी को हम टाइम लाइन कह देते हैं इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं लेकिन एक बात बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल तौर पे देख लो बेटा प्रेजेंट टाइम एग्जैक्टली वो है जो अभी एग्जैक्ट चल रहा है अभी चल रहा है अभी मैं बोल रहा हूं ये प्रेजेंट टाइम है ठीक है देखो मैं अभी चल रहा हूं ये ये प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम टाइम है है मैं कर रहा हूं से से सुनेगा अब ध्यान से सुनेगा देखो मैंने ये फोन उठाया सपोज करो किसी का फोन आया और मैं किसी से बात कर रहा हूं ये प्रेजेंट टाइम में देखो मैं अभी किसी से बात कर रहा हूं बेटा ये प्रेजेंट टाइम है अब सपोज करो छुटको मैंने उससे बात की मैंने बोला ठीक है भाई ओके मैंने फोन रख दिया ठीक है और मैं इधर आ गया अब एक बात बताओ मैं बात कर रहा हूं या मैं बात कर रहा था आपके जवान से निकलेगा नहीं सर कर नहीं रहे हाँ अब तो बात कर लिया आपने हाँ तो आप बात कर रहे थे अब बात कर रहे थे आपने तुरंत से थी बोल दिया इसका मतलब ये हुआ बेटा जो अभी अभी प्रेजेंट चल रहा था वो जैसे ही खत्म हुआ तुरंत पास्ट हो गया कुछ इशारा समझ पा रहे हो मेरा मतलब मतलब ये है मेरे बच्चे आप जो ये बोलते हो ना बीता हुआ समय पास्ट होता है ये मत बोलो भाषा में थोड़ा सा चेंज करो बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट होता है देख रहे हो आप अभी जो मैं बोल रहा हूं अभी जो मैं कर रहा हूं ये क्लास पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे ये क्लास पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन ठीक है लेकिन पाजी अभी तो ये प्रेजेंट चल रहा है हाँ, और ये प्रेजेंट ही में कन्वर्ट होता जा रहा है बेटा पास्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है चाहे वो एक सेकंड का पास्ट हो चाहे वो दस साल पुराना पास्ट हो चाहे वो बहुत सालों पुराना पास्ट हो जो भी पास्ट होगा कभी ना कभी वो भी तो प्रेजेंट रहा होगा क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही समझ पा रहे हो चीजों को इसका मतलब हमने ये बोला मेरे बच्चे जो ये है पास्ट ये कभी ना कभी तो प्रेजेंट ही रहा होगा तो हम जो बोलते हैं बीता हुआ समय है, पास्ट है बीता हुआ समय क्यों बोल रहे हो अच्छे से बोलो बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है आज जो पास्ट आज जो जो प्रेजेंट प्रेजेंट चल चल रहा रहा है है बेटा वही वही पास्ट पास्ट में में कन्वर्ट कन्वर्ट हो हो जाएगा जाएगा सिंपल सी कहानी आ जाए छुटको क्या है बेटा आप बोलोगे सर नाइन्थ जनवरी है तो ये क्या है प्रेजेंट है प्रेजेंट है और हमारे लिए ग्यारह जनवरी क्या है फ्यूचर है और हमारे लिए आठ जनवरी क्या है पास्ट है लेकिन कल क्या सीन हो जाएगा बेटा कल जब 10 तारीख को मैं क्लास ले रहा हूँ कल जब मैं 10 तारीख को क्लास ले रहा हूँ हाँ, तो वो 10 तारीख क्या हो जाएगी प्रेजेंट फिर क्या है? क्या, हो जाएगा? फ्यूचर और और सब कुछ क्या हो जाएगा पास्ट लेकिन पास्ट भी तो कभी ना कभी प्रेजेंट रहा होगा एक छोटी सी बात आपको दिमाग में बैठ गई होगी तो हमने छोटा सा एक अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया अच्छा सा समझ गए मतलब ये प्रेजेंट ही पास्ट में कन्वर्ट होता चलता है अच्छा

और अपने आप को किस में कन्वर्ट करता जा रहा है पास्ट में कन्वर्ट करता जा रहा है कुछ ऐसे चलती होगी प्रेजेंट तो so, ही पास्ट है तो प्रेजेंट तो तरीके से बेटा बस चंद भर के लिए ठहरता है सिर्फ चंद भर के लिए ठीक है अब ये देखो मेरे हाथ से सपोज करो ये पेन छुटा बस वो छुटा वही प्रेजेंट अब वो पास्ट हो गया चंद भर के लिए सिर्फ प्रेजेंट टिकता है बेटा उसके बाद तुरंत वो पास्ट हो जाता है ठीक है चलो कहानी बीता तो चल है, है? चल हाँ, हुआ प्रेजेंट मेरे बच्चे क्या है फ्यूचर आपको टाइम आ गई होगी इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं कहीं बच्चे की तरह तुम लिखो बीता हुआ प्रेजेंट फ्यूचर अभी घोचू पता तो इतना इतना मत छाप दियो कहीं ये भी लिखने लग जाए बे बे बे, बे, बे। लग गई फिर तो नौकरी तेरी पेपर में ये नहीं पूछेगा डिफाइन प्रेजेंट टाइम सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालना है आ जाओ इसी बात से इसी बात से जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उतर आते हैं बेटा अब क्या समझना है अब आपने यहां पर एक्शन के रूप देखने मतलब मुझे आपको टाइम समझाना है और मुझे आपको एक्शन समझाना है अब आप बोलोगे गुरुजी इसका टेंस से क्या नेता नाता इसका वर्ब से क्या नाता अभी देखना थोड़ी देर में सारी कहानी समझ जाओगे जब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ू अब आप समझो बेटा एक्शन एक्शन को एक्षिन क्या होता है अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो आप बोलोगे सर किसी काम को करने के लिए जब हम किसी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो एक्शन हो तो साइंस के हिसाब से हो गया है ना चलो लैंग्वेज के हिसाब से सिंपल बोलो बेटा कोई भी काम वो एक्शन है सर कोई भी काम कर रहे हो ठीक है आप चल रहे हो आप बातें कर रहे हो आप लिख रहे हो आप बोल रहे हो है ना आप पीट रहे हो आप हंस रहे हो ये सब काम हो गया सर कोई भी काम जो चल रहा है होना है ठीक है वो सब एक्शन है सर कोई भी काम अपने आप में क्या है एक्शन मैंने बोला अच्छा एक्शन के कितने टाइप होते होंगे बेटा चलो अब जरा इसको देखना अब मेरा आप इशारा समझ जाओगे जयदीप सर क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं देखो बेटा मैंने कहा छुटकू एक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं चल। चलो चालू करते हैं सपोज करो मेरे सामने ये खाना है बेटा मेरे सामने ये खाना है और मैं खाने को देख रहा हूं अभी खा नहीं रहा हूं मेरे सामने ये खाना है और मैं खाने को देख रहा हूं बेटा मैं खा नहीं रहा हूं मेरे सामने है खाना तो एक बात बताओ खाना खाने का एक्शन चला चला ही नहीं सर आप खा ही नहीं रहे ना मेरे सामने सिर्फ खाना है मैं खा नहीं रहा हूं उसे तो जब खा ही नहीं रहे सर खाने का एक्शन चालू ही नहीं हुआ जैसे ही मैं खाना चालू करूंगा बोलोगे खा रहे हो गुरु एक्शन चालू वही तो है एक बात बताओ बेटा मैं ऐसे खड़ा हूं मैं वॉक नहीं कर रहा जैसे ही मैं चालू हूंगा आप बोलोगे वॉक कर रहे हो सर

ऑनगोइंग प्रोसेस एक्शन की ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब एक्शन जब चल रहा हो इसलिए एक्शन जब भी चालू होगा सबसे पहले वो कौन सी प्रोसेस पे आया बेटा कॉन्टिन्यूस सा गैप रखोगे और यहां पर लिखोगे एक्शन जैसे ही चालू हुआ वो आया बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर जिसको मैं ऑनगोइंग प्रोसेस भी कह सकता हूं मतलब एक्शन जब चल रहा हो उसको बोलते हैं छुटकू कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एक्शन जब चल रहा हो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक्शन चल रहा हो खा रहे चल रहा है वो दौड़ रहा है वो लिख रहा है वो बोल रहा है वो खेल रहे तुरंत तो एक बात बताओ भाई साहब जब बंदा खड़ा है वो चल ही नहीं रहा तो एक्शन ही नहीं, नहीं हो रहा खाना सामने वो खा ही नहीं रहा तो खाने का एक्शन हो ही नहीं रहा जैसे ही खाना चालू किया खा रहा है तो एक्शन का सबसे पहला टाइप क्या हुआ बच्चा एक्शन का टाइप हुआ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसका मतलब होता है जो काम उस वक्त चल रहा हो थेके? अब एक बात सोचिए कि बेटा काम हमेशा चलता रहेगा हमेशा चलता रहेगा हमेशा खाता रहेगा खाता रहेगा खा... नहीं सर जो काम आज चल रहा है छुटकू कभी वो पूरा भी होगा जो काम आज चल रहा है वो पूरा भी होगा खा रहा हूं पूरा खा लूंगा बोलूंगा खा लिया पढ़ रहे पढ़ लिया खेल रहे खेल लिया कमरा साफ कर रहे कर। तो बेटा दिमाग पे जोर डालिए जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होगी खत्म होगी बेटा उस प्रोसेस के बाद जब वो खत्म हुई प्रोसेस है उसको कहते हैं मेरे बच्चे परफेक्ट प्रोसेस कौन सी कहते हैं परफेक्ट प्रोसेस परफेक्ट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ बेटा काम कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट प्रोसेस क्या दिखाती है काम का कंप्लीट होना तो या तो भाई काम चल रहा है हां या पूरा हो गया या तो काम चल रहा है या पूरा हो गया या तो खेल रहा है या खेल लिया या तो खा रहा है खा लिया पढ़ा रहा हूं पढ़ा लिया लिख रहा हूं लिख लिया सिंपल सी बात है अब कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे होगा बेटा कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे होगा वो खत्म होने के बाद कौन सी प्रोसेस बन जाएगा परफेक्ट तो एक बात बताओ बेटा कभी डायरेक्ट परफेक्ट प्रोसेस आएगी नहीं सर पक्का वो पहले काम प्रोसेस में भी तो होगा भाई वो कमरा साफ कर रहा है हाँ उसने अपना कमरा साफ कर लिया हाँ तो उसने अपना कमरा साफ कर लिया महाराज कभी करना भी तो चालू किया होगा उसने खा लिया तो खाना भी तो कभी चालू किया होगा पढ़ लिया तो पढ़ भी तो रहा होगा वो सो बेटा डायरेक्ट कभी भी ये नहीं है कि दादाजी आगे पापा नहीं है सीधा पोता बीच वाली पार्टी कायम इम्पॉसिबल है तो पक्का पहले कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी तभी तो वो कंप्लीट होने के बाद परफेक्ट प्रोसेस बनेगी दिमाग का ढक्कन खुला सिंपल सी बात है तो परफेक्ट प्रोसेस ये अब आप एक बात बताओ मैं ये दोनों चीजें क्यों बता रहा हूं गुरुजी हमें कुछ कुछ अब आसार नजर आ रहे हैं हम आपका इशारा समझते जा रहे हैं गुरुजी कैसे देखो सर मैं पहले कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ू तो टेंस पैदा हो रहा है मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं थोड़ी देर बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बेटा आहिस्ता आहिस्ता एकदम से नहीं करके देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर अगर मैं पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ दूं तो टेंस पैदा हो रहा है कैसे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये सिखा रहा हूं मेरे बच्चे अगर मैं किसी टाइम पर किसी एक्शन को बताऊं वही टेंस है आहिस्ता आहिस्ता आपको टेंस की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं लेकिन उस तक जाने के लिए एकदम बेसिक से जरा चीजों को आपको बताना बहुत जरूरी है अदरवाइज मजा नहीं आएगा जा रहे हैं दिमाग दौड़ रहा है, है तो क्यों ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं दिमाग दौड़ा चलो आगे देखो बेटा तो या तो काम चल रहा है या हो गया चल रहा है तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया तो परफेक्ट अच्छा एक बात बताओ अब जरा चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा अब एक कहानी सुन मेरे बच्चे ये एक रूम है सपोज हाँ और ये भी एक रूम है कितने रूम है दो रूम है ठीक भाई दो रूम और इस रूम में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। हाँ बहुत सारी बुक्स रखी है अब आपने एक वर्कर को बुलाया ठीक है आपने एक वर्कर को बुलाया उसने बोला बेटा एक काम कर हाँ ये सारी किताबें उठा के इस कमरे में रखनी है ये सारी किताबें के इस कमरे में रखनी है उसने बोला रख दूंगा भाई हजार रुपए लूंगा दिहाड़ी आपने बोला ठीक है हजार रुपए ले लियो रख दे अब जरा बात को सुनेगा बेटा वो वर्कर ने रखनी चालू कर दी अब आपने क्या किया उस वर्कर को कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया ठीक है सम टाइम उसने आपको आफ्टर सम टाइम तो आपने क्या किया बेटा उसको आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद ये तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया. किया कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया आप सपोज एक घंटे बाद गए या दो घंटे बाद गए या भले या आप पांच मिनट बाद गए पंद्रह मिनट बाद गए कभी भी आप कुछ समय के बाद उसके पास गए आपने देखा है देख तो लू काम हुआ कि नहीं हुआ तो एक बात बताइएगा वहां पर आप क्या देखेंगे बेटा जब आप कुछ समय के बाद जाओगे तो आपको नजर आएगा गुरु कुछ काम तो चल रहा है हाँ लेकिन बच्चा कुछ काम हो भी तो चुका होगा भाई कुछ समय के बाद गए हो तो उस कुछ समय में कुछ काम हो गया होगा हाँ और बाकी बच्चा हुआ काम चल रहा है गुरु जी तो आपको नहीं लग रहा ये दोनों चीजें हो गई होंगी बेटा जी जो काम हो गया लड्डू ध्यान से सुनिएगा जो काम हो गया मैं उसे परफेक्ट बोलूंगा और जो काम चल रहा है मेरे शेर मैं उसे कॉन्टिन्यूस बोलूंगा इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे वो काम का पार्शियल होना दिखा रहा है पार्शियल थोड़ा काम हो गया सर थोड़ा चल रहा है आप कुछ समय के बाद आए ना दो घंटे बाद जाओगे तो ये ना थोड़ा कुछ किताब ही नहीं रखी कुछ भी नहीं किया आपने बोला वो भाई काम नहीं रहा क्या? क्या कर रहा कहता कर रहा हूं कहता कर रहा है तो दो घंटे हो गए महाराज कुछ किया भी तो होगा कहते कुछ नहीं किया बस कर रहा हूं आप तो वर्कर को निकाल दो कहता भाई पागल है क्या अबे टाइम हो गया काम भी तो हुआ होगा महाराज कहता नहीं अभी कर रहा हूं क्या पागलपन है इसीलिए क्या होता है बेटा अगर टाइम दे दिया जाए दो घंटे बाद सुबह से ठीक है कोई भी टाइम फैक्टर दे दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सेंस आ जाती है ऑटोमेटिकली सेंस आ जाती है बेटा कुछ काम हो गया कुछ चल रहा है अब बचपन याद करो तुम्हारी तुम्हारी कुटाई कुटाई क्यों क्यों होती होती थी थी क्या हमारी <laughs> हमारी कुटाई होती? अब पापा ने छुटकू तुम्हें थोड़ा काम दिया याद करने का हमें याद करना बड़ा बोरिंग लगता था बचपन याद करने का पापा ने काम दिया ये पहाड़े हैं याद कर लियो और चले गए अब पापा आए बेटा तीस मिनट बाद आधे घंटे बाद तीस मिनट बाद आके पापा पूछ रहे हैं हाँ कितना याद हुआ पापा कर रहा हूं कर रहा हूं अबे कर रहा हूं कर रहा हूं तो बाहर में गया याद कितना हुआ कहता नहीं पापा अभी कर रहा हूं अबे अरे घोचू मैं पूछ रहा हूं कर रहा हूं तो ठीक है आधा घंटा हो गया महाराज कुछ तो किया होगा कहते नहीं पापा अभी कर रहा हूँ फिर पापा को याद आता था फिर पापा डंडा लेके आते दे देना छोटे वही तो ये काम है समझ नहीं आप पापा पापा जो है वो परफेक्ट की डिमांड कर रहे थे और तुम पापा को सिर्फ कॉन्टिन्यूस दे रहे थे और पापा की यह बहस थी तू तो कर रहा है ठीक है लेकिन महाराज तीस मिनट हो गई हाँ कुछ हुआ भी तो होगा तो पापा परफेक्ट डिमांड कर रहे थे छोटे पापा को तो टेंस बचपन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था ठीक है पापा को तो टेंस बचपन में ही क्लियर हो गया था कि अगर मैं कुछ समय के बाद चीजों को नोटिस करूंगा तो कुछ काम मुझे कंप्लीट चाहिए और कुछ होता हुआ होना चाहिए लॉजिक वही तो है इसको बोलते हैं बेटा काम अभी पार्शियल कंप्लीट हुआ है काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अब तुम पापा को खाली कॉन्टिन्यूस चिपका देते थे हाँ <laughs> तो धुलाई तो तय है इसका मतलब हुआ कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट जब दोनों को जोड़ा तो एक्शन का एक और रूप हो सकता है बेटा थोड़ा थोड़ा काम हो गया थोड़ा थोड़ा चल रहा है तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं बेटा लिखने ये बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाना है ऐसी चीजों को लिखने हैं इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट से पढ़ना रटके नहीं मैं भी अब बाकी टीचर्स की तो मैं पढ़ा देता टेंस होता है तीन टाइप के टेंस होते हैं अभी कहाँ से आए टेंस थोड़ा बहुत तो पढ़ लो बेटा ठीक है थोड़ा बहुत तो पढ़ लो तो आपने बोला परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो ये होती है मेरे बच्चे आपकी जो है एक्शन की कहानी तो देखो एक्शन चल रहा है एक्शन हो गया थोड़ा हो गया थोड़ा चल रहा है ऐसे तो है थोड़ा हो गया थोड़ा चल रहा है मैं अब कहूं मैं दो घंटे से कमरा साफ कर रहा हूं तो बेटा दो घंटे में थोड़ा कुछ कमरा साफ हुआ हुआ भी भी होगा और अभी अभी कर रहा हूं काम अभी पूरा नहीं हुआ है इसमें पार्शियल कंप्लीट हुआ है थोड़ा हो गया और अभी थोड़ा चल रहा है तो इन दोनों का मिक्स है मेरे बच्चे परफेक्ट क्वान अब आगे की बात सुनिएगा तो यहां पर क्या आया बेटा एक्शन ये ये अब कई दफा अब ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा अब कई दफा ओ ओए, ओए, ओए भाई साहब भाई साहब तेरी से बात करो खड़ा हो जाए खड़ा होता कहां जा रहा है खड़ा ध्यान 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 से ध्यान से से बीच बीच में डरा दूंगा मैं सुनिएगा मैंने बोला छोटे अगर ये तीनों चीजें हैं हाँ लेकिन एक चौथी चीज और होती है चौथी चीज में हम क्या करते हैं बेटा हम कभी ये नहीं बताते काम हो रहा है काम हो गया या थोड़ा हो गया थोड़ा चल रहा है नहीं हम उसमें क्या करते हैं छोट सिर्फ ये बताते हैं काम के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देते जैसे आपने मेरे से पूछा गुरुजी आप क्या करते हो मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं बोला आप क्या करते हो बेटा आपने बोला गुरु जी मैं पढ़ता हूं सिंपल आपने सिर्फ एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी आप ये नहीं दिखाना चाहते एक्शन हो रहा है हो चुका है थोड़ा हो गया थोड़ा हो रहा है आप ऐसा नहीं रियल लाइफ में ऐसा भी तो हो सकता है ये ये बच्चा क्रिकेट खेलता है ये पढ़ाई करता है ये वहां उस फैक्ट्री में काम करता है ये ये काम करता तो जब आप सिर्फ ठीक है ध्यान से सुनिएगा आप जब सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन देना चाहे आप ये नहीं दिखाना चाहते बेटा काम हो रहा है हो चुका है थोड़ा हो गया थोड़ा नहीं आपने बोला सर मैं ठीक है हां समय से अपना काम करता हूं सर मैं समय से अपना कमरा साफ करता हूं समय से अपना लाइब्रेरी जाता हूं बहुत मेहनत करता आप सिर्फ उस काम के बारे में जस्ट एक इंफॉर्मेशन देना चाहते और कुछ नहीं आप नहीं कहना चाहते कि वो कॉन्टिन्यूस है वो परफेक्ट है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है नहीं आपने बोला गुरुजी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं पढ़ाई करता हूं मैं अपना काम कमरा खुद साफ करता हूं मम्मी से नहीं करता आप सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो उसको बोल दिया गया मेरे बच्चे सिंपल प्रोसेस क्या बोला गया सिंपल प्रोसेस आप ये कहो सिंपल का मतलब क्या होता है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पानी ने कहा ए भैया हम कलरलेस छे हमारा कौन रंग नहीं है तो हमारा कौन रंग नहीं है तो बेटा रंग ही नहीं है तो पानी की सिंपल फॉर्म हो गई है ना बेस फॉर्म बोल देते हैं जिसे जिसका कोई रंग रूप नहीं है इसका मतलब उस एक्शन का कोई भी रंग रूप नहीं है इसलिए उसको बोल दिया गया सिंपल प्रोसेस या उसका एक और नाम डाल दिया गया मेरे बच्चे चलो उसका एक और यहां पर लिख दू ऐसे लिख देता हूं इसको बोल दिया गया हमें क्या सिंपल प्रोसेस थोड़ा छोटा लिख देता हूं उसको हमने क्या बोलले बेटा सिंपल प्रोसेस या उसका एक और नाम डाल दिया इनडेफिनेट प्रोसेस सर अरे गुरुजी इनडेफिनेट काहे बोला बे देखो भैया इनडेफिनेट प्रोसेस इनडेफिनेट का मतलब डेफिनेट का मतलब क्या होता है डेफिनेट होता है बेटा फिक्स डेफिनेट मतलब जैसे ध्यान से सुनो हमने बोला हमने बोला जैसे मैं पढ़ाता हूं

पास्ट इनडेफिनिट ये कहते रहते हो ना इसका मतलब यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन देते हो आप ये कहना नहीं चाह रहे काम चल रहा है काम हो गया काम थोड़ा हो गया थोड़ा, थोड़ा चल रहा है आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप इसमें क्या देते हो बेटा ओनली इंफॉर्मेशन कि काम ऐसा होता है अब होता है अब हुआ था अब हो जाएगा सिंपल आप उसको कोई फॉर्म नहीं दिखाना चाहते आप ये नहीं दिखाना चाहते काम चल रहा है हो गया या थोड़ा हो गया थोड़ा चल रहा है आप कुछ नहीं कहना चाहते आप सिर्फ काम के बारे में ओनली इंफॉर्मेशन ठीक है ये चीज याद रखना तो आपने क्या बोला यहां एक्शन या ये कहो आप ऐसे लिखो इसका काम क्या बेटा इसी के नीचे लिखोगे ओनली इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है ना आप ये कैसे ओनली इंफॉर्मेशन केवल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन परपज है इसका ये नहीं दिखाना काम चल रहा है हो गया थोड़ा हो गया थोड़ा, थोड़ा चल रहा नहीं इसका सिर्फ इंफॉर्मेशन देता मैं पढ़ाता तो, हूं बस मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूस मैंने दो चैप्टर पढ़ा लिए हैं परफेक्ट मैं दो घंटे से पढ़ा रहा हूं दो घंटे से पढ़ा रहे हो तो कुछ टॉपिक पढ़ाए भी होंगे कुछ भी चल रहा है बेटा सिंपल सी कहानी ठीक है तो यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आसान हो गया चलो आगे बढ़ते हैं बेटा बेटा अब अब आगे बढ़ते हैं जरा सर अब खाली भाषा में एक्शन नहीं होता बाकी चीजें भी होती मतलब सर बाकी चीजें भी होती हैं कैसे देखो बेटा अब तक आप क्या पढ़ रहे हो ओनली इंफॉर्मेशन इसने इंफॉर्मेशन दी किसकी एक्शन की हा ये भी किसके बारे में बात करता है एक्शन के बारे में ये भी किसके बारे में बात करता है एक्शन के बारे में मेरे बच्चे ये भी किसके बारे में बात करता है एक्शन के बारे में ये सब एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना हाँ क्या भाषा में एक्शन के अलावा कुछ नहीं होता गुरु जी होता तो है कैसे देखो बेटा मैंने बोला कॉपी नहीं करना मेरे बच्चे एक बंदे ने बोला आई लव माई फैमिली ये कॉपी नहीं करना मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं आई लव माई फैमिली मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं बेटा सिंपल प्रोसेस हो गया मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं हाँ ये मेरी इमोशंस है मेरी फीलिंग्स है हाँ. ये कोई काम कर रहा हूं क्या मैं ये कोई काम कर रहा हूं सोचो बेटा कितना गंदा लगेगा मैं ये बोलूं भाई वो अपने परिवार से चार घंटे से प्यार कर रहा है हाँ पांचवें घंटे प्यार नहीं करेगा नफरत चालू नॉम सेंस नहीं वो अपने परिवार से प्यार कर रहा है प्यार अभी प्यार एक इमोशंस है भावनाएं हैं वो एक्शन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो हैं एक्शन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो ये तो वैसा हो जाएगा कि चार किलो प्यार मिल जाएगा भैया हाँ दस सौ रुपए है मेरे पास दस रुपए में कहता है ढाई सौ ग्राम प्यार आएगा बस नॉन नहीं है एक्शन थोड़ी ना वो भावनाएं हैं हमारी सो बेटा एक बात बताओ भावनाओं का कभी ये रूप नहीं हो सकता मेरे पुत्र एक्शन सिर्फ एक्शन ही है जो इस रूप में इस रूप में इस रूप में हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है मैं पढ़ाता हूं मैं पढ़ा रहा हूं मैंने दो चैप्टर पढ़ा लिए मैं घंटे से पढ़ा रहा हूं एक्शन हर एक रूप में हो सकता है लेकिन नॉन एक्शन नॉन एक्शन का मतलब पता है मेरा क्या है नॉन एक्शन मेरे बच्चे जो कोई हमारी भावनाएं हैं हमारी फीलिंग्स है, हैं हमारे इमोशंस हैं वो कभी भी एक्शन की तरह ट्रीट मत करना वो एक्शन नहीं है वो एक्शन नहीं, नहीं है अब ऐसी कौन कौन सी वर्ब है सर हम कैसे पहचानेंगे वो बाद की बातें हैं बेटा आगे बताऊंगा लेकिन आप एक बात मेरा इशारा समझ लो यहां एक्शन नॉन एक्शन सब आएगा यहां एक्शन नॉन एक्शन सब आएगा लेकिन यहां सिर्फ एक्शन 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 आएगा क्योंकि जो नॉन एक्शन चीजें हैं जो हमारी सिर्फ भावनाएं हमारे इमोशंस हैं हां उसको आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस में लिख सकते हो बेटा इसमें नहीं लिख सकते गई भैंस पानी में बर्बाद नॉनसेंस लगेगी आपकी कहानी बेवकूफ लगेंगे समझ हो जैसे कॉपी नहीं करना बेटा कॉपी करना सिर्फ समझाने के लिए आगे सारी चीजें बताऊंगा तब उसके पास एक नई गाड़ी है हाँ। तो क्या, क्या बेटा कोई काम कर रहा है वो मेरे पास एक पेन है हाँ मेरे पास एक पेन है हाँ मेरे पास जेब में एक पेन है हाँ तो ये कोई काम है नहीं मेरे पास एक पेन है ये कोई काम है क्या नहीं मेरे पास माइक है कोई काम है क्या ये नहीं तो इसको कैसे बोलोगे मेरे पास एक पेन आ रहा है अधिकार है बेटा ये अधिकार कह रहे हो मेरे पास पैसे हैं मेरे पास पेन है अधिकार अधिकार की इंग्लिश होती है पजेशन तो ये तो पजेशन दिखा रहे हो सर वहां आप अपना प्यार अपनी इमोशंस दिखा रहे थे सर एक्शन कहां होगी वो चीजें तो ऐसे पहचानते हम चीजों को बेटा इसीलिए याद रखिएगा आप इसलिए याद रखिएगा सर ये तो एक्शन है अच्छा एक बात बताओ अब एक ने ये बोला एक ने बोला ये मेरे पिताजी हैं, उसने क्या बोला हाँ भाई ये हाँ ठीक है? है, है? है ये मेरे पिताजी बन चुके हैं ये बंदा कह रहा नहीं नहीं दो घंटे से बन रहे हैं थोड़े थोड़े पापा बन गए थोड़े थोड़े पापा बनेंगे अभी पापा पता चला रे झंडू क्या ऐसे ऐसे निकालेगा तो

चीज अपने आप में ऐसी फॉर्म में है जो एक नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन तो यहां एक्शन नॉन एक्शन ये कहो या स्टेट स्टेट कहते हैं बेटा अवस्था को अवस्था को नॉन एक्शन कहो या एनी स्टेट अवस्था कौन क्या है बस तो उसने बोला ये इसके पिताजी हैं बस है ये इसके पिताजी हैं ये इसका दोस्त है कभी भी उसको एक्शन की तरह ट्रीट मत करो गाली लगेगी छोटे गाली लगेगी समझ में ही बात इसीलिए एक्शन और नॉन एक्शन को या स्टेट को बेटा समझ के चलिएगा अभी आपको कुछ कुछ चीजें दिमाग में बैठ रही होंगी गुरु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अब बेटा ये चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी आगे इतनी हेल्पफुल रहेगी ना आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगी दोनों कॉन्सेप्ट बताइए यहां तक अगर किसी भी बच्चे का कोई भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइए बेटा मैं एक सेकंड के लिए मतलब मैं रुक रहा हूं मुझे बताओ कोई भी डाउट है तो बता के चलो ना तभी तो आगे पढ़ने पढ़ाने में मजा है तभी तो आगे पढ़ने पढ़ाने में मजा है बताओ तो मैं ठीक कह रहा था बेटा डाउट आने नहीं दूंगा मैं आया है कि नहीं है ए भैया ठीक है मस्त चल रहा है बेटा चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको टेंस पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना तो टेंस समझने में बहुत मदद होगी तो टाइम लाइन हुआ एक्शन हुआ अब दोनों को जानते हैं बेटा एक बात को इसी के नीचे नोट करके लिखेगा इसी के नीचे नोट करके, करके लिखेगा इसी के नीचे एक छोटा सा नोट लिखना है बस छोटा सा नोट ठीक है देखो क्या एक्शन समय पर डिपेंड होता है नो टाइम नो एक्शन यह बात याद रखेगा एक्शन डिपेंड्स करता है बेटा डिपेंड्स ऑन किस पे टाइम तो आप इसको यह लिखोगे बाइलिंगअल लैंग्वेज में डू नॉट ट्राई टू राइट डाउन इट इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली यू हैव टू राइट इट बाई यूजिंग योर बाइलिंग लैंग्वेज बाइलिंगल लैंग्वेज ही यूज करना ठीक है क्या लिखोगे एक्शन समय यानी कि टाइम एक्शन समय यानी कि टाइम पर डिपेंड करता है डिपेंड करता है एक बात हो रहा है बेटा एक्शन टाइम पर डिपेंड करता है समय है तो एक्शन है समय खत्म तो एक्शन खत्म मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है बेटा आपने बोला सर बात पल्ले नहीं पड़ी समझाइए जरा आप कह रहे हो ये दोनों आपस में रिलेटेड है कैसे आप ये कह रहे हो एक्शन समय पर डिपेंड करता है मतलब समय है सब चीजों का बाप कैसे देखो ध्यान से सुनो मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां से यूं चलते हुए जा रहा हूं हाँ तो आप क्या बोलोगे सर आप चल रहे हो तो आपको मेरा एक्शन नजर आ रहा है पता है क्यों क्योंकि बेटा यहां से यहां तक पहुंचने में मैं कुछ समय ले रहा हूं क्या होगा ध्यान से सुनिएगा जरा इसको लॉजिकल समझाता हूं मुझे कॉपी नहीं करना है अब जो मैं चीज समझा बेटा सपोज कीजिए ये एक रोड है सपोज कीजिए ये एक रोड है ठीक है अब इस रोड पर यह भी सपोज कर लो छोटी एक गाड़ी है ठीक अब यह गाड़ी यहां तक जाएगी तो समय लेगी तो आपको जाते हुए नजर भी आएगी अब मैं अगर मैं ये कहूं अगर मैं ये कहूं मैं स्पीड को जितना बढ़ाता जाऊंगा समय उतना ही कम लगता चला जाएगा और डिस्टेंस कवर हो जाएगा भाई ये रेशो तो आपको सबको पता ही है जितनी ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा समय उतना कम लगेगा डिस्टेंस उतनी जल्दी कवर हो जाएगा सही है तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा डिस्टेंस घट गया भाई मुझे दस किलोमीटर जाना है अगर मुझे दस किलोमीटर जाना है तो डिस्टेंस तो सेम है बेटा लेकिन मेरी स्पीड बढ़ रही है अगर स्पीड बढ़ रही है तो दस किलोमीटर जाने का मेरा समय घटता चला जाएगा इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दू कमाल कि स्पीड एकदम स्पीड इतनी इंफिनिटी तक ले जाऊं कि टाइम जीरो हो जाए स्पीड इतनी इंफिनिटी इतनी इंफिनिटी इतनी इंफिनिटी तक ले जाऊं कि मेरा समय जीरो हो जाए समय जीरो हो जाए, तो अब बताओ डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगा आप बोलोगे मजे ले रहे हो सर अगर इतनी एक्सट्रीम आप स्पीड कर दोगे कि समय ही जीरो हो जाए हाँ तो धरती खत्म सब कुछ खत्म फिर तो बेटा सब चीज गायब हो जाएगी छोटे तुम्हारी आंखें मुझे इसलिए देख पा रही हैं क्योंकि यहां मेरा एग्जिस्ट होना समय ले रहा है मैं यू हिल रहा हूं आपको दिख रहा है क्योंकि वो चीज समय ले रही है समझ रहे हो वरना ठीक है वरना आप दो सेकंड के लिए दिमाग लगाओ बेटा कभी भी ऐसा हो सकता है कि समय जीरो जाए। इसलिए जिसने भी खोज करने की कोशिश की कि मैं चीजों को गायब कर दूं उसने पता है चीज को गायब करने की कोशिश नहीं की उसने उस चीज के लिए समय जीरो की करने की कोशिश की इसलिए याद करो मुकम्ब खुश क्या कहता घड़ी तो वो टाइम रोकता था किसका टाइम अपना टाइम मतलब वो अपने टाइम को क्या कर देता था जीरो और जैसे ही मैं अपना एग्जिस्टेंस जीरो कर दूंगा टाइम जीरो कर दूंगा तो जीरो सब कुछ गायब इसका मतलब टाइम जीरो हो ही नहीं सकता इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे एक्शन होते हुए हमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उस एक्शन होने में कुछ वक्त लग रहा है मैं यहां से यहां जाते हुए तो मैं इसलिए नजर आ रहा हूं क्योंकि मुझे वक्त लग रहा है ठीक है वरना तो बेटा मैं क्या होगा एक बार मैं इधर खड़ा हुआ दिखूंगा आपको हां एक बार मैं इधर खड़ा हुआ दिखूंगा और मैं सीधा यहां दिखूंगा अब मैं कहूंगा मैं चल के आया आप बोलोगे मजे ले रहे हो सर कैमरे के नीचे से आए पहला ना ना मैं चल के आया आप कहोगे नहीं नहीं गायब हुए मैं कहूंगा नहीं मैं चल के आया आप कहोगे नहीं गायब हुए वही तो फिर लड़ाई होंगी मैं कहूंगा मैं दौड़ के जीता हूं आप कहोगे नहीं आप गायब होके जीते दौड़ते तो मुझे दिखते नहीं अरे मैं नहीं दिखा क्यूं? क्यों क्योंकि मेरा टाइम जीरो था लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसलिए है मेरे बच्चे एक बात को अपने दिमाग में रखेगा एक बात को अपने दिमाग में रखेगा एक्शन समय पर डिपेंड करता है समय है तो एक्शन है समय नहीं तो एक्शन भी नहीं समय के बगैर तो किसी भी चीज का वजूद ही नहीं है सब कुछ जीरो हो जाएगा सब चीजें गायब हो जाएंगी इसलिए समय का होना बहुत जरूरी है दिस इज द रीजन मेरे बच्चे हो तुम ये सब तुम पहले समय बोलते हो फिर एक्शन या नॉन एक्शन बोलते हो समय बोलते हो फिर एक्शन या नॉन एक्शन बोलते हो दोनों को जोड़ के कहते हो जय बाबा की टेंस की जय टेंस की जय बाबा टेंस कहां से आए बाबा टेंस का आपको पता ही नहीं बाबा टेंस कहां से पैदा हुए टाइम और एक्शन और नॉन एक्शन से पैदा हुए बाबा चलो अगले कॉन्सेप्ट में अब मैं फाइनली आपको फिर टेंस की डेफिनेशन बताऊंगा और इन चीजों को आगे आपको रुझान डालूंगा ठीक है लिखेगा अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा अब ध्यान से सुनेगा बेटा अगर मैं अब आपसे पूछता हूं टेंस की डेफिनेशन अब पता है आप क्या कहोगे टेंस होता है एक्शन प्लस प्लस पहले तो टाइम लिख दू टाइम ज्यादा जरूरी है पहले टाइम लिख देता हूं टाइम प्लस एक्शन या नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन एक्शन या नॉन एन एक्शन इंफॉर्मेशन दिस इज कॉल्ड टेंस कॉल होता है टेंस नहीं मेरे बच्चे समय होता है टेंस खाली समय भी टेंस नहीं होता समय के साथ कुछ तो होगा समय के साथ एक्शन इंफॉर्मेशन होगी समय के साथ नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन होगी कुछ तो होगी ना बेटा खाली समय भी टेंस नहीं होता बहुत सारे टीचर्स कह देते काल होता है टेंस कोई कह रहा है समय ही टेंस है कोई कह रहा है हाँ हा टाइम हा, ही टेंस है अरे पागल हो गया खाली टाइम का क्या करोगे खाली टाइम का क्या करोगे कुछ ना कुछ बात भी तो बोलोगे महाराज इसका मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो दोगे तो किसी भी समय पर किसी भी समय पर चाहे वो प्रेजेंट हो ठीक है हो हो कोई भी हो, ठीक है मतलब प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो कोई भी इसका मतलब समय क्या हो सकता है, है पास्ट हो, हो सकता है समय क्या हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है समय क्या हो सकता है बेटा फ्यूचर हो सकता है ठीक है अब अब एक्शन जो है देखो नॉन एक्शन तो खाली एक ही इंफॉर्मेशन में रहेगा लेकिन एक्शन किस किस रूप में हो सकता है एक्शन इंडेफिनेट में हो सकता है कॉन्टिन्यूस में हो सकता है परफेक्ट में हो सकता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो सकता है हाँ और नॉन एक्शन ओनली इंडेफिनेट है ना नॉन एक्शन ओनली इंडेफिनेट मतलब सिंपल प्रोसेस याद आया ओनली इंडेफिनेट प्रोसेस एक्शन तो ओनली इंडेफिनेट प्रोसेस नॉन एक्शन और एक्शन किस किस में हो सकता है शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा इंडेफिनेट में भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है परफेक्ट में भी हो सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है लेकिन नॉन एक्शन नॉन एक्शन ओनली इंडेफिनेट इसीलिए टेंस के ऐसे टाइप बन गए बेटा तो आज के बाद अगर कोई टेंस की डेफिनेशन पूछे तो आप कहोगे किसी भी पर्टिकुलर समय पर किसी भी पर्टिकुलर समय पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन या किसी नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन ही टेंस है किसी भी समय पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन टेंस है आप ये बोलोगे अब टेंस की डेफिनेशन अब ये कैसे दिखाए जाते हैं अब उनको आगे मैं आपको बताऊंगा बेटा कैसे दिखाए जाते हैं उनको मैं आगे बताऊंगा ये तो हुआ थ्योरिटिकल अभी देखेंगे मेरे बच्चे ठीक है आप यहां तक कॉपी करो हाँ जी बेटा कल आपकी वो कैब की क्लास रखेंगे आज भी रखने की सोच रहा था मैं लेकिन कल रखेंगे आपकी वो कैब की क्लास बिल्कुल रहिए दोपहर में रखेंगे ठीक है बच्चा पार्टी कॉम्प्रीहेंशन बैच का बाइक कॉम्प्रीहेंशन बैच बेटा पेड स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए आता है पेड के लिए रहता है कॉम्प्रीहेंशन कोई अलग थोड़ी ना इसी बैच का हिस्सा है चलिए जी आई बात समझ में सबका मन लग रहा है भाई पढ़ाई में सुबह 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 पढ़ने का मजा तो भाई ये बात तो है ये बात तो है भाई ठंड में ही मजा आइसक्रीम खाने का खाना आज तुम लोग हैं, गला खराब कर लेना अपना <laughs> चलो जी महाराज कॉपी हो गया आगे बढ़ लें भाई चलिए सर आगे देखते हैं अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि ये सारी चीजें आएंगी कहां से मतलब अब टेंस लिखते हैं तो लिखेंगे कैसे ध्यान से सुनेगा अब क्या है जो टाइम है बेटा वो भी वर्ब की हेल्प से दिखाया जाता है एक्शन भी वर्ब की हेल्प से दिखाया जाता है और नॉन एक्शन भी वर्ब की हेल्प से दिखाया जाता अब आपके पास एक नई चीज ऐड हो गई सर ये वर्ब क्या है बेटा वर्ब वो है जिससे समय एक्शन या नॉन एक्शन बताया जाता है वर्ब सेंटेंस में वही है जिससे आप या तो समय की तरफ इशारा करते हो या एक्शन की तरफ या नॉन एक्शन की तरफ इशारा करते हो आप कहोगे कैसे गुरुजी मतलब ये सारी चीजें इस वर्ब की हेल्प से ही दिखाई जाएंगी बेटा इसीलिए मैंने इसको आज हेडिंग डाली थी टेंस वर्ब बेसिक पार्टी सारी की सारी चीजें जो है ये वर्ब की हेल्प से ही दिखाई जाएंगी सारी की सारी चीजें वर्ब की हेल्प से दिखाएंगे लेकिन कैसे इसी के नीचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं बेटा इसी के नीचे आप लिखोगे वर्ब और उस वर्ब की फॉर्म्स बेटा ये सब चीजें दिखाने के लिए उसने वर्ब की फॉर्म्स बना दी गई क्या बना दी वर्ब की फॉर्म्स आप बचपन से पढ़ते हो एक होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बेटा एक होती है कॉन्टिन्यूस फॉर्म और एक को बोलते हैं बेटा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ई एस लगाते हैं तो इसे बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब अब ध्यान से सुनेगा किसको क्या बोलते हैं क्या है कहानी उनको जरा ध्यान से सुनो बेटा इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी थ्री मत बोलना वी टू मत बोलना वी वन मत बोलना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म सिंगुलर फॉर्म याद रखिएगा इसको कौन सी फॉर्म बोला बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म साथ साथ कॉपी रखिएगा इसको बोला मैंने कॉन्टिन्यूस फॉर्म ठीक है इसको बोला मैंने सिंगुलर फॉर्म इनके नाम अब याद रखने हैं कैसे वर्ब की हेल्प से वो टेंस बनाता है इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अभी सारी चीजें बताऊंगा बेटा ठीक है सारी चीजें बताऊंगा इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म उसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं ठीक है बाद में सीखेंगे जिरेंड भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है इसको बेर इंफिनेटिव भी कह देते हैं ठीक है इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं मतलब कहीं ना कहीं पास्ट पार्टिसिपल सेकंड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी रूप ले ले वो फलाना ढिमकाना वो बाद की बातें है बेटा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म हो गया परफेक्ट हो गया और, और वो कैसे बनेंगे वो बाद की बातें लेकिन हम ये फॉर्म्स टेंस से रिलेटेड जानेंगे सिर्फ और सिर्फ टेंस से रिलेटेड जानेंगे किन फॉर्म्स का कैसे यूज होता है टेंस बनाने के लिए इन फॉर्म्स का कैसे यूज होता है टेंस बनाने के लिए ठीक है वो बाद की बातें बेटा ठीक है जी चलिए कैसे जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए कैसे जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, सुनेगा? बताइए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है तक तो कोई डाउट है तो सबसे पहले वो बताएं बेटा कैसे बनेगी अब देखो जरा अब आपको सारे के सारे टेंस इसी से बुलवाने हैं बुलवानेट तो फॉर्म है 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 इसे आप देखकर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम कह सकते हैं बेटा जैसे ही सेकेंड फॉर्म दिखती है तो उसे आप क्या कहते हैं पास्ट फॉर्म और बेटा थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं परफेक्ट ये इनके नाम है अब बच्चे कई बार नहीं बोलते वी वन वी टू वी थ्री मत बोला करो, वरना बेटा मैं मैं की की ऐसी -की तैसी कर दूंगा X2 का X2 दूंगा। का कह बोलूंगा X2 प्लस Y2, कहेंगे अरे और Y2 है। मैं अच्छा अच्छा फिर तो एक्स <laughs> थ्री है, है, है ना मैथ्स की भी है कि नहीं लैंग्वेज है ना अपनी उसकी हम ऐसी -तैसी तो नहीं कर देंगे एक्स टू वाई टू है

ठीक है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाने के काम आएगा इन दोनों को जोड़ दूंगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा अब देखो किस तरीके से हम वो कमाल करेंगे तो इन्हीं से हमें टाइम बोलना है इन्हीं से हमें एक्शन या नॉन एक्शन बोलना है कैसे गुरुजी कॉपी हुआ हाँ अब जरा एग्जांपल देखो बेटा इसी के नीचे अब आपको पहचानना आ जाएगा टेंस कैसे पहचानते हैं जैसे मैंने एक पहला एग्जांपल लिखा मैंने सिंपल लिखा बेटा दे गो देयर दे गो देयर मैंने बोला बताओ इसमें वर्ब कौन सी हुई गो Go क्या है बेटा? की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है मैंने आपसे पूछा बताओ ये टेंस कौन सा है आपने बोला देखो गुरु जी. यहां एक ही verb है. First form है. हुँ. तो first form को देखकर मैं क्या बोलूंगा? Present form. इसका मतलब मैं बोलूंगा सर इसको देखकर कौन सा टाइम प्रेजेंट टाइम हाँ अब बेटा प्रेजेंट के बाद क्या कॉन्टिन्यूस है नहीं सर नहीं क्या प्रेजेंट के बाद परफेक्ट है नहीं सर कुछ भी नहीं है हाँ जब कुछ भी नहीं होता जब कुछ भी नहीं होता तो वो फॉर्म क्या होती है इंडेफिनेट इसका मतलब ये हुआ गुरु जी प्रेजेंट टेंस इसका मतलब आपको ऐसा नजर आएगा या पुत्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब नजर आती है बचपन थोड़ा थोड़ा याद है ही कम हेयर या ही कम से ही कम से ही कम तो ये फर्स्ट फॉर्म पे आपने क्या जुड़ा हुआ देखा एस तो वो क्या बन गई सिंगुलर फॉर्म बस इतना बस का फरक है और जब तो डिटेल में तब बात करेंगे अभी तो मैं आपको टेंस पहचानना सिखा रहा हूं आगे सुनिएगा बेटा अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखूं ध्यान से सुनेगा टेंस कैसे पहचानेंगे अगर मैं ऐसे लिख दूं दे दे आर क्लीनिंग देयर रूम मुझे बताओ यह कौन सा टेंस है दे आर क्लीनिंग देयर रूम यह कौन सा टेंस है तो आप पता है क्या बोलोगे कॉन्टिन्यूस फॉर्म है बेटा वर्ब पर आएंगे लगा तो उसको कौन सी फॉर्म कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलेंगे आर कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है तो बेटा एक बात बताओ फर्स्ट फॉर्म को देखकर आप क्या बोलते हो प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब ये कौन सा टेंस बना Present continuous tense. तो जब आपको कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ दिखेगा आज के बाद आप तुरंत उसका टेंस पहचान लोगे ये कौन सा टेंस है और ये कौन सा टेंस देख रहे हो यही एक कारण है मैंने कहा था बेटा वर्ब का और टेंस का भी कहीं कही ना कहीं नाता है ये वर्ब सी है जो टेंस बना रही है ये वर्ब सी है जो टेंस बना रही है कौन सा बना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस अब बेटा फोर्थ एग्जाम्पल मैं अगली स्क्रीन पे लिखूंगा फटाक से कॉपी करो मैं स्क्रीन चेंज करूंगा फटाक से जल्दी से कॉपी करो फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो यहां से आपको चीजें क्या हो जाएंगी ना अंडरस्टैंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी किस तरीके से चलती हैं कहानियां आज की क्लास हाँ बेटा यूट्यूब पे भी लाइव है अच्छा यूट्यूब कमेंट्स में लड़ रहा है मैं देख रहा हूं कमेंट्स में लड़ रहे है। हाँ, एक ने कुछ बोल दिया वो दूसरा कह रहा बाप, मैं बाप कुछ और कमेंट कर रहा है सपोज करो ये भारत के किस कोने से तुम्हें खुद नहीं पता ये किस कोने से खुद नहीं पता और आपस में कमेंट में गालियां देकर अपने आप में अच्छा अच्छा फील कर रहे हाँ मैं जीत गया अब एक अरे कुछ तो दिमाग लगा कुछ कुछ लॉजिक है इस बात का है मेरी छोटी आलिया भट्ट थोड़ा बहुत तो देख ले क्या हो रहा है ये तो उसको कह रहा है मैं तेरा बाप हूं ये उसको कह रहा है, नहीं नहीं मैं तेरा बाप है आपस में एक दूसरे को अपना बाप साबित करने में लगे हुए हैं कि ये है, मैं तेरा बाप और तू उसका बाप है नहीं नहीं मैं तेरा बाप और कौन पता ही नहीं कौन कहा है? है पता ही नहीं दुनियादारी में इससे कुछ होगा अरे मेरे शेर इससे कुछ होगा अबे नौकरी ले लेना नौकरी ले लेना वरना ले 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 वो तेरा बाप है तू उसका बाप है दोनों के दोनों आगे जाके वहां पर फिर भीख मांग रहे होंगे नुक्कड़ पे अरे मैं वही जो कमेंट वुल करो तो मैं तेरा बाप हूं अरे मैं भी वही जो कमेंट वुल करो तो मैं तेरा बाप हूं कहता दोनों भाई भाई हाँ आज भीख मांगेंगे अबे नौकरी ले ले झंडू वरना यही टाइम वेस्ट हो जाएगा तेरा खुद का टाइम वेस्ट करो अपने अलग ही स्वैग में जिंदगी जी रहे और फिर वो थोड़ी देर बाद लिखेगा तू मेरा क्या उखाड़ लेगा फिर वो देखो तू क्या उखाड़ लेगा कुछ ही नहीं करना टिक 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 और जो दोनों टाइप कर रहे हैं इसके पिताजी ने इसको पैसा देके मोबाइल दे ला के इंटरनेट रिचार्ज करा रखा है और इसके पिताजी ने इसका मोबाइल देके इंटरनेट रिचार्ज करा रखा है दोनों की खुद की औकात तो रिचार्ज कराने की मोबाइल लेने तक की नहीं है वो बेचारे माँ बाप जो खून पसीना एक करके इनको मोबाइल फोन इनका रिचार्ज करा के दे रहे हैं ये आपस में बाप साबित करने में लगे हुए उस असली बाप पे क्या बीतेगी सोचा कभी सोचा ही नहीं अरे महाराज चलो आ जाओ भाई साहब दुनिया मतलब अतरंगी है कुछ नहीं कह सकते भाई साहब दुनिया अतरंगी तो है चलिए ठीक है बेटा मतलब कमेंटो में भिड़ पड़े आपस में जुनून हो तो ऐसा हो वैसा पता ही नहीं कहां चल रहे चलो जी सब सुधर जाएगा उम्मीद है तो ये हुआ अब आगे देखिएगा बेटा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट का का एग्जाम्पल लिखा एक बार फोर्थ परफेक्ट का लिखते हैं अगर मैं ये लिख दूं मेरे बच्चे दे दे हैव हैव डन देयर वर्क उन्होंने अपना काम कर लिया है है ना यही बोलेंगे ना इसकी हिंदी उन्होंने अपना काम कर लिया है दे हैव डन देयर वर्क अब आप इसको दो वर्ब देख पा रहे हो एक तो हैव वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और एक डन वर्ब है थर्ड फॉर्म बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो प्रेजेंट और छुटकु थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो परफेक्ट तो कौन सा टेंस हुआ सर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया गुरुजी चलो मेरे शेर अच्छा अब देखो जरा फिफ्थ वाला एग्जांपल अगर मैं फिफ्थ में एक छोटी सी बात दिखाने की कोशिश करूं और मैं ये कहूं मेरे बच्चे सपोज कीजिए दे, दे हैव बीन क्लीनिंग अब मैंने दे आर क्लीनिंग नहीं लिखा दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम वे अपना कमरा साफ कर रहे हैं टू आवर्स दो घंटे से बेटा अगर दो घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे हैं तो दो घंटे में कुछ कमरा साफ हो भी गया होगा और कुछ अभी साफ हो रहा है ऐसे ही तो बात है और इस सर इसमें तो तीन तीन वर्ब हैं, सर ये फर्स्ट फॉर्म है बीन थर्ड फॉर्म है क्लीनिंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म है गुरु इसमें तो तीन तीन फॉर्म है मैंने बोला तीनों फॉर्म को पढ़ दे बेटा फर्स्ट फॉर्म से क्या बोलते हो प्रेजेंट थर्ड फॉर्म से क्या बोलते हो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस फॉर्म से क्या बोलते हो कॉन्टिन्यूस मेरे बच्चे कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बने टेंस टेंस ऐसे ऐसे बने बेटा बने ठीक है जी है आप बताओ बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये तैयार हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिस इज द वे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस ऐसे बच्चा आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तरीके से टेंस को हमने आइडेंटिफाई करना ठीक है डन है ज्यादा लंबी क्लास मत लेना सर रिवाइज छोट इसको रिवाइज क्या करेगा बेसिक क्लास आज तो ये तो बेस पढ़ा दिया मैंने आपको चलो बेटा अब ऐसे में क्या होता है अगर मैं ये बोल दू हां गो वेंट गॉन वेंट कौन सी फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म बेटा सेकंड फॉर्म को देखकर क्या बोलूंगा मैं पास्ट क्या पास्ट के आगे कॉन्टिन्यूस है नहीं परफेक्ट है नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है नहीं कुछ भी नहीं तो इनिट तो ये हो गया बेटा पास्ट इंडेफिनेट तो इस तरीके से आपने टेंस को पहचान अब पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे पहचानोगे अगर मैं बोल दू बेटे बच्चे ही वॉज हा क्लीनिंग हिज रूम वो अपना कमरा साफ कर रहा था फटाफट कॉपी करना बेटा अगर मैं ये बोल दूंगा तो वॉज क्या है सेकेंड फॉर्म क्लीनिंग क्या है कॉन्टिन्यूस तो सेकेंड फॉर्म को देख के क्या बोलोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म को क्या बोलोगे कॉन्टिन्यूस तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ओ भाई साहब कितना आसान है बेटा ऐसे मैं बोलूंगा दे हैड डन देअर वर्क अगर हम बोल दें सपोज बिफोर दे केम उनके आने से पहले उन्होंने अपना काम कर लिया था तो दो दोनों टेंस के ग्रुप को भी आप पहचानना स्टार्ट कर दोगे बेटा ठीक है आठवां देखो सपोज मैंने लिखा दे हैड डन their वर्क उन्होंने अपना काम कर लिया था हां बिफोर शी केम उसके आने से पहले तो इसमें दो दो टेंस आप दोनों पहचानो ये क्या है बेटा सेकंड फॉर्म तो इसको देख के क्या बोलोगे और इसको देख के क्या बोलोगे इसको देख के बोलोगे पास्ट ठीक है चुटको और थर्ड फॉर्म को देख के क्या बोलोगे परफेक्ट तो यह कौन से टेंस बना पास क्या है सेकंड फॉर्म इसको देख के क्या बोलोगे पास्ट आगे कुछ नहीं तो इंडेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस इसमें दो दो टेंस है उसके आने से पहले उन्होंने अपना काम कर लिया था तो पास्ट परफेक्ट को आप ऐसे पहचानोगे आ गया जी तो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में बच्चा कह रहा है छोटी आलिया भट्ट का मतलब समझ नहीं आया छोटी <laughs> आलिया भट्ट का मतलब ये बेटा आलिया भट्ट को जैसे नहीं पता ना दुनियादारी में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं ठीक है उसको कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं उस बेचारे को कोई लेना देना नहीं कहीं वही कहानी यहां पर जैसे बोलते हैं ना दिवाली पर पटाखे मत छोड़ो और फिर इनकी मूवी हिट हो जाए तो यही बाहर पटाखे छोड़ छोड़ के जश्न मनाते हैं उसको लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा हम फेस्टिवल भी ना बनाए अपना और इनके लिए दिवाली से बढ़कर इनकी मूवी मूवी हिट होगी तो पटाखे छुड़ा देंगे और दिवाली आते कहेंगे पटाखे मत छुड़ा वाह क्या लॉजिक हो इस बात का तो वही मैंने उसी बोला छोटी आलिया भट्ट जिसको पता ही ना हो क्या चल रहा है जिंदगी में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है क्या करना है क्या नहीं करना चलो आठवें तक हुआ भाई बच्चा पूछ रहे एमटीएस का बैच कब आएगा हाँ हाँ ये तो हमने प्रधानमंत्री बनने का कोर्स चला रखा है एमटीएस का बैच अलग से आएगा नाचते घूमते अरे छोटे सारे एग्जाम्स कवर करेगा ये बैच चाहे तो एमटीएस दे दे चाहे तो सीजीएल ले ले डी दे ले, ले सीपीओ दे ले कोई भी दे ले बेटा चलो जी भाई टेंस की आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई लेकिन अभी मैं फ्यूचर नहीं बता रहा बेटा फ्यूचर पर हम सिर्फ स्टार लगा रहे हैं फ्यूचर में बाद में बताऊंगा जब मैं आपको मॉडल का जिक्र करूंगा विल और शेल से फ्यूचर बनता है बेटा जो कि मॉडल का पार्ट होता है लेकिन अभी उतने ज्यादा लॉजिक में मैं नहीं लेके जाऊंगा फ्यूचर टेंस में ही बताऊंगा फ्यूचर टेंस कैसे पहचान अभी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पहचानना सिखाया है फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा बेटा जब फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा ठीक है तो अभी यहां तक आपने क्या सीखा गुरु जी हमने यहां तक ये यह सीख लिया हमने यहां तक यह सीख लिया कि टोटल टेंस को क्या कहते हैं टेंस कैसे बना है टेंस की डेफिनेशन क्या है आपने सारा वो जान लिया बेटा अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे और ये उनके लिए जिनका बिल्कुल ही बेसिक है थोड़ा सा हिला डुला एकदम वीक उनको नहीं पता होगा देखो बेटा वर्ब जो है ना वो कहीं ना कहीं एक्शन को भी दिखाती है बेटा वो कहीं ना कहीं पजेशन को भी दिखाती है पजेशन का मतलब क्या होता है बेटा अधिकार और कहीं ना कहीं वो हैपनिंग को भी दिखाती है हैपनिंग का मतलब क्या होता है बेटा होना एक्शन का तो मतलब जानते हैं आप पोजेशन का मतलब होता है बेटा अधिकार और हैपनिंग का मतलब होता है होना तो ये कौन-कौन सी वर्ब होती है मेरे बच्चे एक्शन जैसे डू पोजेशन मतलब हैव और हैपनिंग मेरे बच्चे मतलब बी की फॉर्म तो ये डू हैव और बी की फॉर्म होती हैं जो टेंस में यूज होती हैं आप देखते हैं ना यहां पर आप कैसे देखो बेटा आपने जब ये एग्जांपल देखे हैव आ रहा था बी ना रहा था देख रहे हो और कहीं ना कहीं वो जा रहा था तो ये कहां से आते हैं ये यहां से आते हैं ये यहां से आते हैं बेटा डू की फॉर्म है जरा इनको ध्यान से सुनो इनकी भी फॉर्म्स होती हैं जैसे अगर मैं फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा बेटा तो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड डू की थर्ड फॉर्म होती है डन और डू की कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है मेरे बच्चे डूइंग और डू की सिंगुलर फॉर्म अब जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है जिनको नहीं पता बेटा उनका भी मुझे ख्याल रखना है वो होती है डस है ना बेटा डू डन डूइंग डस अब ऐसे ही पुत्र आप हैव की बनाओ हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव बेटा हैव की सेकंड फॉर्म हैड और have की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है had. दोनों स्पेलिंग सेम है बेटा अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाओगे तो इसकी क्या बनेगी हैविंग अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म बनेगी तो क्या बनेगी मत कर देना, <laughs> हैज ठीक है अब कई बच्चों को नहीं पता होती है ना बेटा तो उनके लिए मैं बता रहा हूं अच्छा बी की फॉर्म क्या होती है फर्स्ट फॉर्म में बी होता है हाँ प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा इज एम आर में अब हर बच्चे को पता है इज सिंगर के साथ आता है एस एल सिंगुलर सब्जेक्ट समझ जाओगे शॉर्ट में ये आई के साथ है माता है और बेटा आर किसके साथ आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ठीक है पुत्र और अगर बात करें इसकी सेकंड फॉर्म के बारे में तो ये होगी बेटा वोज या वर होती है अब मेरे बच्चे को सबको पता है वोज किसके साथ आता है वर किसके साथ आता है ठीक है जी अब अब अगर मैं थर्ड फॉर्म के बारे में बात करूं तो बेटा वो है बीन कॉन्टिन्यूस फॉर्म के बारे में बात करूं तो मेरे बच्चे वो है बीन ठीक है और सिंगुलर फॉर्म मैंने वहां इसकी लिखवा ही दी यहां लिखवा दी इसकी मैंने यहां पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने उसको यहां पर लिखवा दिया इज एम और आर में ये कन्वर्ट होती है बेटा इज एम और आर में कन्वर्ट होती है वॉज आई के साथ और सिंगुलर के साथ आता है बेटा आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्क इसके साथ आता है प्लुरल कई बार आप कहते हो सर ऐसे भी तो होता है इफ ही यू किंग बेटा वो इमेजिनेशन वो अलग टॉपिक होता है टेंस नहीं होता ये टेंस के हिसाब से मैंने वर्ब लिखवाई और हर बच्चे के लिए जिसकी इंग्लिश वीक है जिसका इंग्लिश सेक्शन वीक है ना ये उसके लिए लिखवाई है, है, लिख है जिन बच्चों को पता है बेटा उनको जरूरत नहीं है कॉपी करने की अगर आपका इंग्लिश का बेसिक अच्छा है और आपको पता है तो आपको नहीं है कॉपी करने की जरूरत लेकिन छोटू भाई जिनका इंग्लिश सेक्शन अभी वीक है वो इसको जरूर से जरूर कॉपी कर लें काम है मेरे बच्चे, बेसिक से चीजों को बच्चों के लिए लेकर चलना, ठीक है? <coughs> कॉपी करो इसको बेटा ये जो चीज है ना मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ये स्पोकन बैच है आप स्पोकन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है क्या दिखा रहा था मैं आपको हाँ ये बेटा वो स्टूडेंट जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये है मैंने कहा था ना यहां स्टूडेंट्स हैं जो 10 से चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं वो ये, है ये, है, ये बैच है बेटा ये 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 बैच बैच है है फ्री नहीं नहीं या पर पर चलेगा सिर्फ एक डेमो मैंने दी थी ठीक है ये इंग्लिश स्पेशल बैच है जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैच है बेटा ठीक है जो पांच जनवरी मतलब तो सात जनवरी से स्टार्ट हुआ था टेंथ से आठ से हुआ तक से ठीक है आज से हुआ आप ये कहो तरीके से टॉपिक तो आज से स्टार्ट हुआ है जो बच्चे टेंथ से ज्वाइन करेंगे चीजों को तो ज्वाइन करें बैच को आप जाने के लिए कैरविल ऐप डाउनलोड कर लेंगे आपको बैच वहां से ज्वाइन करना है कैरविल ऐप डाउनलोड कर लेना वहां से इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर लेना जो बच्चों अभी ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया हुआ है यानी ज्वाइन किया और एक और बार ज्वाइन कर लो ठीक है कई बार बच्चे ये भी करता है सर मैंने गलती से ना एक और बार बैच ले लिया ये गलती से एक और बार बैच कैसे लिया जाता है से और कहां से आ रहा है इतना पैसा यहां बच्चे एक बार मेहनत करके जुटा रहे हैं पैसा तेरे पास बार बार पैसा कहां से आ रहा है ठीक <laughs> है तो ये ध्यान रखिएगा बेटा तो जो बच्चे अभी बैच जिन्होंने मेरा नहीं लिया है वो बैच ले सकते हैं और मेहनत करने के लिए जुड़िएगा मुझे रैंक चाहिए बेटा हर साल मेरे स्टूडेंट टॉपर्स में शामिल है इस बार आपको शामिल कर दूंगा आप देखते हो मेरे इंस्टाग्राम रील पे कितने सारे इंटरव्यूज में डालता हूँ छोटे छोटे क्लिप्स डालता हूँ ठीक है वो हमारे चाहे कैरेबल पे रैंक वन से लेके टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट आपको सारे के सारे टॉपर्स जुड़े हुए दिख जाएंगे आपके आजूबाजू लाइब्रेरी में बैठा हुआ बच्चा आप उससे पूछिएगा या अपने सीनियर से पूछिएगा वो जयदीप सर से इंग्लिश पढ़ा होगा और पक्का मेहनत से पढ़ा होगा क्योंकि बेटा बगैर मेहनत रैंक नहीं लगवा सकता मैं आपकी बगैर मेहनत में इंग्लिश का मैं ठेका आपको उठाने के लिए तैयार हूं इंग्लिश में आपके हंड्रेड परसेंट दिला दूंगा मैं मार्क्स उसे टेंशन ही छोड़ दो लेकिन मेहनत करनी है ये नहीं ना बेटा मैं पढ़ा रहा हूं आप घर पे रिवाइज ही नहीं कर रहे मैं वो कैब याद करा रहा हूं पता चला आप घर पे जाके रिवाइज ही नहीं कर रहे फिर एक दिन कहते हैं सर वो कैब पढ़ता हूं भूल जाता हूं अरे भाई रिवाइज नहीं करेगा तो भूलेगा भी फिर और बेटा थोड़ा डांट के पढ़ाऊंगा तो डांट खाने के लिए तैयार रहना मुंह मत फुला के बैठ जाओ ना चिन्नी डाट दी चिन्नी डाट दी एक दो की आदत होती है सर डाउट पूछता डांट दिया आपने तो फिर नई नवली दुल्हन ने तो मेहंदी भी नहीं उतरी और डांट दिया जो तो टीचर डांट के फटकार के पढ़ाएगा नहीं कहेगा पढ़ाएगा वो ठीक है तो डांट के पढ़ाएंगे प्लस मेहनत से पढ़ाएंगे प्लस आपको ये वादा करना है इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जब भी सुबह पढ़ने बैठो बेटा माँ सरस्वती का नाम लेके बैठा करो मन में गंदे ख्याल आएंगे ही नहीं और पुत्र इन भीड़ से मत डरोतालीस लाख पचास लाख बच्चे भर रहे हैं। सरकारी नौकरी का फॉर्म करीब करीब एक करोड़ तक बच्चा चला जाता है वो सिर्फ भीड़ है उसमें से कुछ परसेंटेज ही है जो सीरियस है आप देखते नहीं हो यूट्यूब पे जब अभी यूट्यूब पे भी तो चल रही थी क्लास यूट्यूब की आप कमेंट देखो जाके एक दो बच्चा हाई शिवानी पिंकी हाई रोशनी इसमें लगा पड़ा उनका कहां नौकरी लगनी है बेटा वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उन पागलों को जब तक ये चीज समझ आएगी ना बहुत लेट हो जाएगा इसलिए अभी से सुधर जाओ जो जो सीरियस हैं बेटा सीरियस और ज्यादा सीरियस हो जाओ और जो सीरियस नहीं है आज से पुत्र जी सीरियस हो जाओ मां कसम जिस दिन पैसा मांगने की नौबत आई ना एक सिंगल बंदा पैसा नहीं देगा मां कसम खा के बात बोल रहा हूं बेटा मेरे बच्चे कोई भी हेल्प नहीं करेगा उस दिन अंदर से इतना गुस्सा तुम्हें आएगा ना कि काश उस दिन पढ़ लिया होता कोई मदद नहीं करेगा बेटा कोई भी इंसान उसको पैसा देता है जहां से वापस आने की उम्मीद हो बेरोजगार आदमी को कोई पैसा नहीं देता बेरोजगार आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है बेरोजगार आदमी बेचारा एंगजाइटी का शिकार होता है बेरोजगार आदमी की कोई इज्जत नहीं होती ना कोई बुलाना पसंद करता है ये बात याद रखना आज मेरे शब्द भले ही कड़वे लग रहे होंगे पर पुत्र उस वक्त याद करोगे अभी हो सकता है आपको भाषण लगे गुरु जी भाषण दे रहे हो आप तो लेकिन मैं मां कसम खा के कह रहा हूं बेटा ये भाषण आगे याद करोगे कोई सिंगल बंदा नहीं मदद करेगा या तो फिर अपनी जमीन या धरती बेचोगे जमीन धरती उतनी है नहीं गुरुजी हम तो सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हमारी जो कुछ है हमारी सरकारी नौकरी आपको बहुत सारे लोग नहीं डिंगे हाथते नजर आ जाएंगे बड़े बिजनेस कर लो बिजनेस में बहुत पैसा अभी देखे ना कई बिजनेसों की हालत मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेटा रिस्क उठाने के लिए पैसा नहीं होता उनके पास तो बस इतना पैसा है किताबें ले ली कोर्स खरीद के दे दिया कर लो मेहनत ट्वेल्थ फेल मूवी देखिए जिसने नहीं देखी देखना बहुत शानदार मूवी है बहुत शानदार मूवी आपको रियल स्ट्रगल बताएगी स्टूडेंट का देखना उस मूवी को अच्छी लगेगी बेटा समय निकाल के मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए समझ में आई बात मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए अच्छी लगेगी आपको मूवी ऐसी ऐसी मूवीज देखा करो ये एनिमल जैसी मत देखा करो बेटा अगर अपना समय लगाना है तो ऐसी मूवी पे लगाओ ना जिसके बाद आठ दस घंटे पढ़ डालोगे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ी देर का मिलेगा थोड़ी देर तो पढ़ोगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में मन लग जाएगा ठीक है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में मन लग जाएगा ये बात ध्यान रखिएगा चलिए तो उसको देखिएगा समझिएगा ये बैच है जिसने लेना इस, ये आज आज भर डेमो चलेगी बेटा डेमो क्लास थी एक टेंथ से जो ज्वाइन जो करेंगे मेरे बच्चे चलो कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा ये थी तक की कहानी ठीक है वो कैब की क्लास कल होगी बेटा यूट्यूब पर अब वो कैब जो है वो सबके लिए यूट्यूब पर जो चलती है वो फ्री है बेटा वो कैब जो यूट्यूब पर चलती है वो फ्री है जिसके लिए आपको इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो हमारा इंग्लिश का चैनल है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह इंग्लिश का चैनल है बेटा इंग्लिश बाय जयदीप सिंह इंग्लिश का चैनल है इस पर आप जाओगे यहाँ पर आप प्ले में देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा द कंप्लीट वोबलरी बैच ऑन यूट्यूब याद आया इसमें मैं पचपन क्लास ले चुका हूं और आगे जहां से भी ज्वाइन करोगे वहीं से समझ आएगा तो ये फ्री बैच है वो का जो यूट्यूब पर चलता है और ये फ्री बैच है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का जो यूट्यूब पर ये सबके लिए फ्री होगा बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट है, है या प्रैक्टिस वो सब पेड है कॉम्प्रिय सब पेड़ है लेकिन ये दो एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखी है हमारे इंग्लिश वाले चैनल में तो अब यूट्यूब पर इंग्लिश जयदीप सिंह सर्च करके इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा यहाँ पर आपको प्ले में फ्री वो कैब का बैच दिखेगा फ्री टॉपिक वाइज बैच दिखेगा तो इनमें क्लासेज ऐसे आपके चलेंगे बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा तो ये इंग्लिश वाले चैनल पर भी जुड़ के रहिएगा आप लोग चलो मेरे शेयर वापसी आते हैं तो बेटा ये हुआ सारे के सारे एक बेसिक कहानी का अंत अब सर बेसिक का अंत इसीलिए मैंने कहा अच्छा कॉपी नहीं करिएगा मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे टेंस जो है वो है वो टाइम कॉपी नहीं करना भाई और वो एक्शन और नॉन एक्शन है हाँ एक्शन और नॉन एक्शन अच्छा एक बात बताओ एक्शन तो कौन दिखाएगा वर्ब दिखाएगी नॉन एक्शन कौन दिखाएगा वर्ब दिखाएगी टाइम कौन दिखाएगा वर्ब दिखाएगी तो वर्ब ही तो टेंस है इसीलिए बेटा पार्ट ऑफ स्पीच में आप टेंस अलग से थोड़ी ना हेडिंग देखते तो आप वर्ब देखते हो तो आपको ये कह सकते हो टेंस जो है वो वर्ब का हिस्सा है बेटा टेंस जो है वो वर्ब का हिस्सा है वर्ब ही है जो टेंस दिखाती है तो टेंस भी वर्ब से ही पैदा हुआ एक पार्ट है समझते हो टेंस भी वर्ब से पैदा हुआ ही एक हिस्सा है ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है

और टाइम एंटेंस कल डाल लेना आज मत डालना यूज ऑफ टेंस टाइम एंटेंस और इसी को हम कह सकते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ टेंस जहां से एग्जाम में आएगा एप्लीकेशन ऑफ टेंस आज के टॉपिक से एग्जाम का रिलेशन थोड़ी ना है यहां से मेरे बच्चे एग्जाम में आएगा आज सिर्फ और सिर्फ टेंस वर्ब की एक बेसिक क्लास थी अब कल की हमारी हेडिंग होगी यूज ऑफ टेंस टाइम एंड टेंस या कहो एप्लीकेशन ऑफ टेंस यहां से पेपर में आएगा

वही तो देखते हो इसलिए बचपन में एक बात बताओ बेटा मैं कहूं मैं कहूं आपसे कॉपी नहीं करना है रफ है बेटा दे गो देयर ठीक है या दे वेंट देयर यस्टरडे क्या करोगे दे गो देयर या दे वेंट देयर यस्टरडे आप कहोगे सर यस्टरडे का तो टाइम पास्ट है पास्ट है तो वेंट होगा पास्ट आएगा वही तो होता है टाइम एंड टेंस किस हिसाब से टाइम के हिसाब से टेंस बदलेंगे अब वो कहानियां देखते हैं कब कौन सा टेंस यूज होना चाहिए वो आप यूज ऑफ टेंस देखते हो जिन्हें टेंस की हम एप्लीकेशन कहते हैं कि किस तरीके से इन टेंस को यूज करना है आपने उन पर पेपर में बेस्ड एरर आएगा और बेटा जब मैं इनको कराऊंगा उसके बाद सारा टॉपिक पढ़ाने के बाद पुत्र जी आपकी होगी इसकी प्रैक्टिस जैसे मैं दिखाता हूं इसका असाइनमेंट जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ना फिर हम इसके करेंगे बेटा प्रैक्टिस जैसे ये हमारा यूज ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस देख रहे हो

उनके नीचे आंसर्स भी होंगे पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और बाद में आप करोगे देखो नीचे उनके सोल्यूशन भी हैं बेटा जैसे क्वेश्चन जब इनके डिटेक्टिंग एरर्स कर लोगे फिर पुत्र बात आती है इनके फिल इन द ब्लैंक्स की कि सेम टॉपिक होगा पुत्र ठीक है सेम टॉपिक हो गया और इनके फिर हम क्या करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे चलेगा फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की मैंने कहा था ना हर एक टॉपिक में जो जो एग्जाम में पूछा जाता है उन सारी चीजों को करो ये टॉपिक सेम है लेकिन अब इसके क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीडीएस हो चाहे वो MTS हो चाहे वो एल हो एक्स वाई जेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज छाटे हुए हैं वो भी आपके असाइनमेंट्स में इंक्लूड है जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो मिक्स प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर भी मिले तो ये सारे टॉपिक्स हैं ऐसे बेटा लेकिन कैसे पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ेंगे जब इसको हम कंप्लीट पढ़ चुके होंगे कंप्लीट पढ़ने के बाद बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे बीच में नहीं पहले मैं आपको कंप्लीट कंप्लीट टेंस पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा ये आपको तो की क्लास होगी बेटा कल तो कल अब आठ बजे हम मिलेंगे और एप्लीकेशन को चालू करेंगे ठीक है मैं फिर रिपीट कर दूं जिन बच्चों का रहता है अभी बेटा एडमिशन लेना वो अपना एडमिशन अपना लेके चलिएगा और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा ठीक है <coughs> ये बैच की इंफॉर्मेशन है बेटा जो मैंने दिखा दी थी दोबारा दिखा दो किसी के रह गया हो तो ये बैच की इंफॉर्मेशन जो मैंने एडमिशन ले लिया है अपना वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी ऐप और वहां जाके आपको एडमिशन दिख जाएगा इंग्लिश में सभी एग्जाम्स को ये कवर करके चलेगा कंपटीशन को कोई भी एग्जाम आप दो प्री अप टू मेंस सिलेबस इसमें चल के चलेगा ठीक है चले पुत्र तो कल मिलेंगे कल सुबह क्लास होगी और दोपहर को कल मैं वो कैब की क्लास मिलूंगा तो वो कल सुबह बता दूंगा आपको वो की क्लास कल, आ, कब होगी अब YouTube पर डेमो नहीं चलेगी बेटा कल से सिर्फ पेड बैच में डेमो चलेगी मतलब पेड बैच में क्लास चलेगी तो जिन बच्चों का अभी एडमिशन रहता है वो अपना एडमिशन ले लीजिएगा कल से हम जो है स्टार्ट करेंगे यहां पर तो कल से ऐप पर ही क्लास होगी डेमो सिर्फ आज भर के लिए यूट्यूब पर थी ठीक है उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लगी होंगी बेहतर लगी होंगी और अपने आप से वादा करके मेहनत करने का वादा ठीक है कोई भी डाउट हो तो फटाक से पूछिए खत्म करते हैं बेटा क्लास को ठीक <clears throat> है झुटको चलिए बेटा तो कल मिलेंगे आठ बजे और कल स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन आज हो गया हमारा बेसिक पूरा का पूरा खत्म चलिए बाय बाय टेक केयर कल मिलते हैं बेटा आठ बजे